नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज मोबाइल पर यूट्यूब पर बहुत कुछ देख रहे हैं स्कूल के बारे में कि बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं 1 से 12 तक का सरकारी विद्यालय हैं उसमें हाजिरी 3 बार अब दिन में बनेगा। अब देखिए ये नियम 1/12/24 से लागू होगा। एक स्कूल पहुंचने पर यानी इन होने पर और दूसरा कभी भी दोपहर में पढ़ना चाहिए और तीसरा जब आप स्कूल छोड़ते हैं 4 बजे तब ये हाजिरी बनना चाहिए, यानी 3 बार हाजिरी बनेगा। और ध्यान रखने की बात है कि उसमें उस शिक्षक महोदय महोदया का फोटो युक्त होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आइए। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि इसे पढ़ाई पर असर होगा। ठीक है, हम स्कूल बिहार के स्कूल के शिक्षा को सुधार देंगे। अब देखिए ये बहुत आदर्श बात है कि हम बिहार के शिक्षा को सुधार देंगे, समझे ना, ये आदर्श का विषय है और पढ़ाई सुधर जाएगा। मैं स्वयं शिक्षक हूं, पूरी जिंदगी देखा है कि स्कूल में बिहार के कॉलेज में आधा से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो कभी क्लास लिया ही नहीं, और जो क्लास नहीं लेता है वही ऊपर वाले का सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वही आज बिहार में इसको थोड़ा ऊपर जोड़ देते हैं, ये तो 1 से 12 तक है, 15-17 यानी ये डिग्री महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालयों में भी जो कभी नहीं पढ़ाते हैं वही प्रिंसिपल बनते हैं, वही VC बनते हैं, वही रजिस्ट्रार बनते हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप इस पर एक रिसर्च कराकर शोध कराकर देख लीजिए। यानी बिहार सरकार का ये जो फरमान है, सरकार है, पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, उनका आदेश का तो टीचर समाज पालन करेगा लेकिन इस गलत निर्णय का के चलते जो पढ़ाने वाले भी टीचर होंगे ना वो भी पढ़ाना थोड़ा कम कर देंगे। क्यों पढ़ाएंगे भाई? अतः मेरे समझ से एक ट्रेड यूनियन के दिमाग के असर से, श्रम एवं समाज कल्याण के असर से इससे पढ़ाई पर फायदा नहीं होगा, घाटा होगा। नमस्कार।